बिल्कुल हो रही है। कोई बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा पदाधिकारी हो, सरकार के बाहर का हो, सरकार के अंदर का हो, कोई भी पदाधिकारी बक्से नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई के बीच सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के द्वारा अवैध बालू खनन को लेकर आज सरकार को घेरा गया है। ऐसे में हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम है। सर, जिस तरह से अवैध बालू खनन को लेकर आप लोगों की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद भी ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग जो हैं इसमें अभी भी शामिल हैं। नहीं, ये तो अच्छी पहल है। अगर बालू अवैध खनन को लेकर के सदन के पटल पे कोई अगर सवाल करता है तो जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। अगर विपक्ष के लोग अगर सवाल कर देते हैं तो जवाब भी उनको लेना चाहिए। और सरकार मुझे लगता है कि तैयार है कि हर पहलू, हर मुद्दे को जवाब उनको दे करके संतुष्ट किया जाए। रही बात अवैध खनन को लेकर के, सरकार भी चिंतित थी। आम लोगों को ससमय बालू मुहैया कराना, वो सरकारी प्रोजेक्ट हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, उनको ससमय बालू हम उपलब्ध कराने के लिए चिंतित रहते हैं। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि 3 महीना जून जुलाई अगस्त, ये जुलाई अगस्त सितंबर है जो बालू को खनन नहीं होता है, उसके लिए 15 करोड़ सिफ्टी बालू की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बिहार सरकार के माध्यम से ये बालू खनन 15 करोड़ 65 लाख सिफ्टी बालू बिहार में स्टॉक है, जिस स्टॉक को जिला के पदाधिकारी के माध्यम से उन लोगों को मुहैया कराई जा रही है जिनकी ज़रूरत है। तो बालू बिहार में कहीं कमी नहीं है। रही बात विरोधियों की, तो विरोधी सवाल करते हैं, उसका जवाब हम लोग देते हैं। पर आपने कहा कि विरोधियों के सवाल का जवाब हम देते हैं, पर अब तो सर सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि उनके क्षेत्र में अगर इस तरह की बात आएगी तो क्यों नहीं सवाल लगेगी। लोकतंत्र और जनतंत्र तो यही है, जो उनकी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, अगर उनके क्षेत्रों में अगर इस तरह की समस्या आएगी तो वो सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब उनको मिलेगा, दे भी रहे हैं हम जवाब। क्या लगता है सर कि जिस तरह से आपने विभाग का प्रभार संभाला, उसके बाद कई अधिकारियों पर आपने कार्रवाई भी की, अगर आगे कोई अधिकारी बालू अवैध बालू खनन में शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल हो रही है। कोई बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा पदाधिकारी हो, सरकार के बाहर का हो, सरकार के अंदर का हो, कोई भी पदाधिकारी बक्से नहीं जाएंगे। एक एक पदाधिकारियों पर, गलत करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, हो के रहेगी, इसे मैं कहीं पीछे हटने वाला नहीं। पर आज भी देखने को मिल रहा है सर कि कई जगहों पर अवैध बालू खनन हो रहा है और जो दाम है उसमें दुगना करके लोगों के बीच बेचा जा रहा है। नहीं, आप ही के चैनल के माध्यम से समय समय दिखाया जाता है, तो ऐसा कहीं नहीं है। उस अवैध खनन को हमने रोक लगाया है, अगर फिर भी कहीं अगर हो रहा है तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। रही बात है महंगे रेट की, तो सरकार ने बालू को रेट निर्धारित कर दिया है और निर्धारित जो सरकारी रेट है उस रेट से अगर महंगे रेट पर कोई बेच रहा है तो उसको छापामारी हो रही है, छापामारी करके उसको बालू को जब्त किया जा रहा है। ऐसे कहीं भी गलत काम करने वालों लोगों को प्रोत्साहन सरकार के या मंत्री के द्वारा नहीं मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि गलत काम करने वालों लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, होगी। वो अधिकारी ही क्यों ना रहे, अधिकारी हो, आम हो, कोई भी लोग हो, अगर गलत करने वाले लोगों को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी अधिकारी अवैध बालू खनन में शामिल होंगे तो उन पर सरकार जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।